नमस्कार, मैं विनीता मालौत। हालांकि गर्मियों का मौसम और सभी ऋतुओं से ज़्यादा आरामदायक होता है, इस मौसम में न तो ठंड से ठिठुरने का डर रहता है और न ही बारिश में भीगने का डर। जहां चाहो घूम आओ, लेकिन इन खूबियों के साथ इस मौसम के कुछ नुकसान भी हैं। आप जितना धूप के कॉन्टैक्ट में आएंगे, उतना ही इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जाती है। इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो तीन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम है सर दर्द। इस मौसम में धूप में ज़्यादा समय तक किसी भी तरह की शारीरिक क्रिया करना संभव नहीं है, इससे सर दर्द हो सकता है। जैसे जैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों में सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। गर्मी के कारण सर में मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती है, जिससे नर्व में दबाव बढ़ता है। इसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी होना कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे भी सर दर्द हो जाता है। इस सर दर्द से बचने के लिए खूब पानी पिएं, पानी वाले फ्रूट्स खाएं, सब्जियां भी पानी वाली ही बनाएं। दूसरा है स्किन प्रॉब्लम। गर्मी के मौसम में कई तरह के त्वचा रोग हो जाते हैं। इस मौसम में आसानी से सनबर्न हो सकता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार सांवले लोगों के कंपैरिजन में गोरे लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए और अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस पहने। इन दिनों स्किन में कोई भी बदलाव दिखे तो इसे हल्के में न लें। त्वचा में बदलाव कैंसर का लक्षण भी हो सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन दिनों अपने खान पान का खास ख्याल रखें, विशेषकर स्ट्रीट फूड खाने से बचें। गर्मी में कोई भी पकाया फूड हो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, इससे आपके पेट को परेशानी भी हो सकती है। पुराना बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, कई मामलों में तो यह जानलेवा भी हो सकती है। अगर कोई भी आहार खाने से तबीयत खराब हो जाए, उल्टी, थकान, कमजोरी महसूस हो, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और लूज मोशन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही। गर्मियों में अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।